Now there are three possibilities. ये सीएस अटेंडेंस कंप्लीट है क्या? अटेंडेंस शीट में लास्ट लेक्चर तक? यस मैम, लास्ट क्लास की बच्ची होगी शायद लास्ट की बच्ची है, उसको ऐड कर देना आज। जी। प्लीज नोट डाउन दीज पॉइंट्स। Now, insertion in a labial tree, there can be three possibilities. The node was left or right heavy and has now become balanced. The node was balanced and has become left or right heavy. Then third possibility, the node was either heavy, node was either left or right heavy. A new node has been inserted in heavy subtree, which creates an unbalanced subtree, and that type of node is called critical node. चलिए अब balanced labial tree में आपके पास कितने balance factors possible? Yes, what can zero, zero plus one and minus one are the balance factors जो आपके possible है यहाँ पर. हाँ जी, अदर देन दीज अगर कोई भी नोड इंसर्ट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन एवियल ट्री। चलिए अब सपोज आपके पास पॉइंट सबने नोट कर लिए? लास्ट पॉइंट Thank you.
हाँ जी, पॉइंट सबने नोट कर लिए, चलिए स्टार्ट ना। यस दिस इज द इनिशियल ट्री। अब इनिशियल ट्री में बैलेंस फैक्टर क्या होगा फॉर दिस नोट? व्हाट विल बी द बैलेंस फैक्टर? जीरो। जीरो फॉर दिस नोट, सारे नोट जीरो होंगे नीचे वाले। जीरो लीफ नोट के करेस्पॉन्डिंग बैलेंस फैक्टर विल बी जीरो। फॉर दिस पर्टिकुलर नोट बैलेंस फैक्टर विल बी जीरो। जीरो लेफ्ट माइनस राइट विल बी जीरो। एंड फॉर दिस नोट बैलेंस फैक्टर विल बी प्लस वन और माइनस वन। प्लस वन, प्लस प्लस वन। एंड फॉर द रूट नोट व्हाट विल बी द बैलेंस फैक्टर? टू माइनस टू, बैलेंस फैक्टर विल बी इक्वल टू जीरो। नाउ दिस वॉज द इनिशियल ट्री। अब क्या करेंगे? स्टेप वन हमने लिया, इंसर्ट नोट। अब दिस इज द ट्री और हमने क्या किया? अच्छा, ये नोट किस टाइप का है? थ्री स्टेट्स में से बताइए, लेफ्ट हैवी है, राइट हैवी है या बैलेंस्ड है? लेफ्ट हैवी। ये लेफ्ट हैवी बैलेंस। हमने क्या बैलेंस्ड है? लेफ्ट किसने बोला बैलेंस? किसने बोला लेफ्ट हैवी है? यस गर्ल्स, हरमेहर, हरमेहर कौर? यस मैम। हां जी, आपने बोला ये बैलेंस्ड है? नो मैम। हाँ जी, आपकी क्लास में भी स्टार्ट हो चुका है सब? ऐसे फेक आईडी से स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। चलिए, अब इस नोट में क्या है आपके पास? सी, बैलेंस नहीं है ये नोट, दिस इज लेफ्ट हैवी। अब लेफ्ट हैवी है तो यहाँ पर क्या होगा? दिस इज द नोट और यहाँ पर आपके पास सिर्फ लेफ्ट में वन चाइल्ड है, सो दिस इज लेफ्ट हैवी। क्या करते हैं इसको? यहाँ पर एक नोट हमने इंसर्ट किया। अब ये जो नोट मैं इंसर्ट कर रही हूँ, आप इसको ना डॉटेड लाइन और डॉटेड सर्कल से शो करना, दिस नोट। ओके, Done. ये जो जैसे मैंने रेड से शो किया ना, आप इसको डॉटेड लाइन और डॉटेड सर्कल से शो करना यहाँ पर। हाँ जी, आपकी क्लास में ऐसे डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है क्या बार बार, जैसे अभी हुआ था? हर क्लास में हो रहा है सब? मैम अभी हुआ है, पहली बार। पहली बार नहीं हुआ बेटा, कल भी हुआ, आपकी लैब में भी था और मैंने उसको वहां से रिमूव किया था और अभी भी वही हाल है। कल भी मैंने ऐसी फेक आईडी एक देखा था और मैंने रिमूव कर दिया। चलो, रीनेमिंग का ऑप्शन ही हटा दिया। देखो, फिर से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है ये लड़का। और ये कोई, ये ना आपकी क्लास में है तो नहीं हो सकता सी, क्योंकि सीएससी टू में भी यही सेम नामों से ज्वाइन कर रहा है। लास्ट टू लेक्चर से मैंने देखा। आप लोग बेटा आईडी किसी के साथ शेयर करते हो क्या, किसी और ग्रुप में भी? तो मैम सिर्फ क्लास ग्रुप पे ही जाती है जिसपे हमारी क्लास के बच्चे सीएससी में जाने के अलावा ये बार बार सेम नाम से सीएससी टू की क्लास में भी कैसे आया है और उसी नाम से आपकी क्लास में ज्वाइन कर रहा है? बार बार रीनेम करता है और वही तीन चार नाम है इसके। सेकेंड बैच के साथ तो नहीं होता ना शेयर कुछ भी? आईडी सेकेंड बैच के साथ तो नहीं शेयर करते ना आप लोग? मैम हमारी क्लास के ग्रुप पे ही होता है। आई डोंट नो ये कैसे हो रहा है बात है। चलिए, अब यहाँ पर क्या है? इंसर्ट नोट। द नोट वाज लेफ्ट हैवी एंड वी हैव इंट्रोड्यूस्ड वन मोर नोट, जिससे ये क्या बन चुका है? बैलेंस। सी, द नोट वाज लेफ्ट और राइट हैवी एंड हैज नाउ बिकम बैलेंस्ड, इजंट इट? यस मैम, बैलेंस्ड है। चलिए, कंप्यूट बैलेंस फैक्टर। लीफ नोट सारी जीरो। लीफ नोट के लिए सबके लिए क्या होगा? बैलेंस फैक्टर विल बी जीरो, 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 जीरो।
and for this node balance factor will be zero. For left node balance factor zero. Root node के लिए क्या आएगा zero. तो ये क्या है यहाँ नीचे लिखे ब्रैकेट में the node was left heavy